नमस्कार, जेके न्यूज़ पॉइंट लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। जहां 10th CBSE क्लास के बच्चों की अगर बात की जाए तो काफ़ी देर से इंतज़ार था कि कब आखिर इनके जो परिणाम है ये घोषित किए जाएंगे, क्योंकि अगर बात की जाए जेके बोस स्टूडेंट्स की तो पिछले कुछ दिनों पहले ही जो है 10th क्लास के जो रिज़ल्ट हैं वो घोषित किए गए और उसके बाद क्या कुछ लूप होल्स जो हैं ये देखने को मिले वो भी हम सब ने देखा। लेकिन वहीं CBSE की अगर बात करें तो बच्चे जो हैं वो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर इनके एग्ज़ाम जो है कब घोषित किए जाएंगे। और वहीं 12th क्लास की भी अगर बात की जाए तो CBSE 12th क्लास के बच्चे भी लगातार इंतज़ार में थे। तो अब जो है बता दें कि जिस तरह से पहले बात निकलकर सामने आ रही थी कि CBSE के जो 10th क्लास के जो बच्चे हैं इनका रिज़ल्ट 20 जुलाई को घोषित किया जाएगा, लेकिन अब एक बार फिर जो क्लैरिफिकेशन आई है उसमें ये कहा गया है बोर्ड की तरफ से कि अब 22 जुलाई के बाद जो है 10th क्लास CBSE के जो रिज़ल्ट हैं ये घोषित किए जाएंगे। यानी कि अब थोड़ा और इंतज़ार बच्चों को करना पड़ेगा कि जहाँ पर पहले 20 जुलाई की बात थी अब 22 जुलाई के बाद जो है ये कहा गया है। लेकिन अभी भी कोई सुनिश्चित कोई डेट जो है वो फिक्स नहीं की गई है कि इन बच्चों का रिज़ल्ट जो है वो किस दिन निकाला जाएगा। लेकिन CBSE बोर्ड की अगर बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि स्कूल्स की तरफ से अभी रिज़ल्ट जो है वो पूरी तरह से नहीं बना है और जो क्राइटेरिया बोर्ड ने कहा था उन्हें बनाने के लिए जिस बेसिस पर रिज़ल्ट जो है वो बनना था, स्कूल्स जो हैं वो पूरी तरह से उस बेसिस पर रिज़ल्ट नहीं बना पाए हैं, जिसकी वजह से जो है रिज़ल्ट घोषित करने में देरी आ रही है। तो वहीं अब जो डेट है वो बताया गया है कि 22 जुलाई के बाद ही रिज़ल्ट घोषित करेंगे। वहीं अगर बात करें 12th CBSE स्टूडेंट्स की तो 12th क्लास के जो बच्चे हैं इन्हें भी जो है लगातार इंतज़ार है कि इनका रिज़ल्ट जो है कब डिक्लेयर किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि इनकी भी जो अब CBSE ने जो कहा है कि 31st जुलाई तक जो है 12th के CBSE के जो स्टूडेंट्स हैं इनका भी रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर कर देंगे। क्योंकि अगर बात की जाए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की एडमिशन की तो जिस तरह से UGC ने सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को ये कह दिया है कि अब जल्द से जल्द जो एडमिशन प्रोसेस है फर्स्ट ईयर का वो जल्द से जल्द शुरू कर दें और स्कूल्स को भी जो है पूरी तरह से निर्देश दे दिए गए हैं कि जल्द से जल्द 12th क्लास के जो बच्चे हैं इनका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दें, ताकि बच्चे जो हैं अब आगे हायर एजुकेशन के लिए यानी कि अपनी ग्रेजुएशन के लिए जो है अपने फॉर्म फिल कर सकें। तो वहीं अब CBSE ने ये डेट जो है एक तरह से बताई है कि 31st जुलाई तक जो है 12th के रिज़ल्ट घोषित किए जाएंगे और 10th क्लास की अगर बात करें तो 22nd जुलाई तक ये रिज़ल्ट जो है घोषित किए जाएंगे। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि कब ये रिज़ल्ट घोषित करते हैं और क्या कुछ लूप होल्स यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस तरह से जेके बोस की हमने बात की 10th क्लास के बच्चे आज भी जो है करीब 10 से 15 दिन हो गए हैं रिज़ल्ट निकले हुए और उसके बाद आज तक सड़कों पर हैं, लगातार मांग जो है वो की जा रही है क्योंकि मास प्रमोशन की जहां पर बात की गई थी और उसके बाद बच्चों को जो है काफ़ी सब्जेक्ट में फ़ेल कर दिया गया था। अब CBSE की अगर बात करें तो CBSE के बच्चों ने भी जिस तरह से COVID-19 में अपने जो एग्ज़ाम्स हैं वो दिए हैं और सिचुएशन जो है जिस तरह की रही और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट जो हुआ, ख़ास तौर पर अगर पढ़ाई की बात की जाए एजुकेशन की बात की जाए, तो वहीं अब किस तरह का रिज़ल्ट जो है वो देखने को मिलेगा उस पर जो है बात जो है करनी होगी। लेकिन वहीं अगर बात करें रिज़ल्ट जो है वो किस बेसिस पर डिक्लेयर होगा तो उसका आपको बता दें कि प्री बोर्ड, मिड टर्म, यूनिट टेस्ट और जो भी इंटरनल असाइनमेंट्स थी इन सब के जो मार्क्स हैं, जो भी आपके ग्रेड्स हैं, वो सब जो हैं एक साथ लेकर उनका रेशो बनाकर जो है आपके रिज़ल्ट का बेसिस जो है वो बनेगा। तो वहीं अगर इस साल की अगर बात करें तो 10वीं की परीक्षा में करीब 21 लाख लोग छात्रों ने जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाया था, यानी कि देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में CBSE के 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके परिणाम घोषित होने वाले हैं। अब क्या कुछ कितना क्या पिछले साल से अच्छा रिज़ल्ट इस बार आता है या किस तरह या पिछले बार से बुरा रिज़ल्ट आता है वो आने वाले समय में जो है देखना होगा, लेकिन अभी तक की ये CBSE स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अपडेट थी कि जल्द ही इनके परिणाम घोषित होने वाले हैं और अब इंतज़ार जो है उन्हें थोड़ा कम करने को मिलेगा। वहीं चलिए अब थोड़े से जो यहाँ पर कमेंट्स आ रहे हैं कमेंट्स ले लेते हैं। भट्ट मुदा कह रहे हैं ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक, और आशिक हुसैन भी ईद मुबारक कह रहे हैं, ईद मुबारक हो। तो चलिए इसी के साथ CBSE 10th और 12th क्लास रिजल्ट से जुड़ी हुई इस अपडेट को यहीं ख़त्म करते हैं। कुछ और नई अपडेट निकलकर सामने आएगी तो ज़रूर आपके साथ रूबरू करेंगे। अभी के लिए चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।